जानवर जमीन पर भारी भरकम बेल क्रेन की मदद से बुलंदी से नीचे उतारे गए। पहले राजा को काबू करके जमीन पर लाया गया, इसके बाद रुस्तुम भी हवा में तैरता हुआ नीचे उतरा। फिर बारी आई चांद की और धीरे धीरे चांद भी जमीन पर आ गया। बच्चे बड़े सभी ये नज़ारा देखने के लिए जमा हो गए। हर साल मजा आता है, दो चांद बैल होते हैं हर साल और बाकी गाय होती हैं बैल। वो दफा आए बहुत साल, हर साल उतरते हैं इधर चांद बैल। इस बार अभी बहुत इंजॉय करा और बहुत शोर मचाया। ईद के मौके पर ये बैल उतारते हैं, हम अपने घरों से आते हैं यहाँ, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। 8 जानवर एक बरस से नाजमाबाद में इमारत की छत पर पल रहे थे। खाना पीना देखभाल और नाजो नखरे सब वहीं उठाए जा रहे थे। मैं 8 साल से इसी तरह मैं जानवर पालता आ रहा हूँ। इस साल मैंने 8 जानवर पाले और एक साल से इनको रखा हुआ है। ये हमें याद तो बहुत आएंगे क्योंकि एक साल हो गया है, इनसे अटैचमेंट हो गई है, लेकिन यही असल कुर्बानी है। हमने हर साल की तरह अपनी छत पे कुर्बानी के जानवर पाले हुए हैं, हमने इनकी बहुत देखभाल की है। कराची में जहां ना जानवर रखने की जगह है और ना ही हर जगह पर चारा दस्तियाब है, ऐसे में पाल पोस कर जानवर की कुर्बानी करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जज्बा हो तो ये मुश्किल भी आसान हो जाती है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ मोहम्मद अशद, 92 न्यूज़ कराची।